जी हाँ फ्रेंड्स, वॉच टाइम, व्यूज़, सब्सक्राइबर, ये सब अचानक से कम होना, और हम एक सोच में पड़ जाते हैं, यार अभी तो इतने सब्सक्राइबर थे, अचानक से कम हो गए, ये वीडियो में इतने व्यूज़ थे, कम हो गए, वॉच टाइम ये कम हो गया। तो दोस्तों, ये कम क्यों होता है और इसकी क्या ये है, मैं आपको आज की वीडियो में यही बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले, मेरा नाम रफ़ीक, आप ही के अपने चैनल आर टेक्निकल इंडियन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों इसको एक लाइक कर दीजिए। जो न्यू भाई हो, फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए, उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी दबा दो। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते वॉच टाइम की। तो अगर वॉच टाइम अगर आप चेक करते हो, या जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, यहाँ वॉच टाइम मिनट्स जो मेरे है 41,500। जी हाँ दोस्तों, 41,500 वॉच टाइम मिनट्स है यहाँ। लेकिन मैं अगर इसको एक दिन के बाद वापस देखूँगा या दो दिन के बाद वापस देखूँगा, तो ये मुझे कम दिखाई देंगे। तो इसका रीज़न क्या है, ये कम क्यों होते हैं? तो दोस्तों, जब आप नए होते यूट्यूब पर और आप किसी की वीडियो देखते हैं, आप किसी को सब्सक्राइब कर ले, तो वो भी आपके चैनल पे आता है, और आने के बाद वो क्या करता है, आपकी वीडियो फटक से देख लेता है, और उसके बाद वो एक कमेंट छोड़ के वहाँ से निकल जाता है। वो आपकी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड भी देखता नहीं है और चले जाता है। तो आप उस टाइमिंग में देखते हो, यार मुझे कमेंट आया, मुझे एक लाइक बढ़ गया। ये स्टार्ट में बहुत होता है कि वीडियो को लाइक्स भी आते हैं, कॉमेंट्स भी आते हैं, और थोड़े आपको व्यूज़ भी दिख जाते हैं। लेकिन यहाँ भी आप जब देखोगे तो आपके वॉच टाइम मिनट बढ़ते हुए दिखाई देंगे। लेकिन जब 48 आवर्स जब होते हैं, उसके बाद जब आप वॉच टाइम देखते हो, तो अचानक से कम हो जाता है। वो कम क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो एनालिटिक्स जो है, ये 48 आवर्स के बाद चेंज होता है। यूट्यूब 48 आवर्स के बाद सब चेक करता है अच्छे से, और जानता है कि इसको व्यूज़ और इसकी वीडियो कितनी टाइम तक देखी गई। तो उसके बाद जो समझ लो जो रियल रहता है उसको रखता है, बाद में जो समझ लो कुछ सेकंड की जो वीडियो देखी जाती है उसमें अचानक से वॉच टाइम बढ़ जाता है, तो वो फिर बाद में वो डिलीट कर देता है, उसको रिमूव कर देता है। जो रियल जो होता है, जो वीडियो को ज़्यादा वॉच किया जाता है, उसका वॉच टाइम रखा जाता है और वो बढ़ता भी है। कि जो समझ लो वीडियो 10 सेकंड या 15 सेकंड तक देखी गई है, उसको थोड़ी देर के लिए वह वॉच टाइम हमें दिखाई देता है, लेकिन उसके बाद वो वॉच टाइम डिलीट कर देता है। उसके बाद जो आप बात करोगे व्यूज़ की, तो फ्रेंड्स जैसे कि समझ लो, देखिए यहाँ आप मोर ऑप्शन पे जाएंगे, व्यू मोर ऑप्शन पे जाओगे, तो यहाँ आप देखोगे व्यूज़। अब यहाँ मेरे व्यूज़ है जो आप देख रहे हैं आपके सामने। तो जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा, उसके बाद मैं खुद से मेरी वीडियो देखूँगा, या मेरे फ्रेंड्स को मैं कहूँगा कि बार बार वो वीडियो देखो, तो मुझे उस टाइमिंग में बहुत सारे व्यूज़ दिखाई देंगे, 100 से भी ऊपर व्यूज़ दिखाई देंगे। पहले मेरे साथ भी ऐसा होता था, 100 के ऊपर से भी ज़्यादा मेरे को व्यूज़ दिखाई देते थे। लेकिन 48 आवर्स के बाद जब मैं चेक करता था यहाँ के, तो मेरे व्यूज़ जो है सिर्फ 50 या 30 रह जाते थे। इसका रीज़न ये है कि जो डुप्लीकेट होता है वो सब कट हो जाता है, डिलीट हो जाता है, और जो मेन होता है, जैसे कि हमारा वॉच टाइम, जैसे कि वॉच टाइम जो होता है, वॉच टाइम मिनट और व्यू सब्सक्राइब सबकी मैं बात कर रहा हूँ एक साथ, ये जो मेन होता है ये हमारे फिक्स डिपॉजिट में जमा हो जाता है। और जो 28 दिन के लिए यह जो दिख रहे लास्ट 28 डेज, तो ये जो होता है हर 20 डेज के बाद ये चेंज होता है। तो हम अभी मेरे याद आप देख रहे हो 41,000, तो अगर मैं इसको कुछ दिन के बाद देखूंगा, जब इसको 28 डेज हो जाएंगे, तो अचानक से ये 10,000 पे आ जाएगा, मतलब ये 10,000 ही दिखाई देगा। तो बाकी के जो मेरे जो टाइम जो वॉच टाइम जो है, वो टोटली मेरा जो है वो फिक्स डिपॉजिट में जमा हो गया है, लेकिन जो ये यहाँ दिखाई देता है सिर्फ 28 डेज का दिखाई देता है। वैसा हर चीज़ का है, सब्सक्राइबर का भी है, सब चीज़ों का ये है। अब फाइनली दोस्तों, ये चीज़ तो आप समझ गए होंगे, मैंने जो आपको बताया हूँ कि हमारा वॉच टाइम, हमारे जो व्यूज़ हमें कम क्यों दिखते हैं, क्योंकि हम खुद से वीडियो देखते हैं या हमारे फ्रेंड्स को कहते हैं तो वो बार बार देखता है, तो उसमें जो हमारे बाहर की जो हमारे व्यूअर्स होते हैं, हमारे सब्सक्राइबर होते हैं, वो जो वीडियो देखते हैं, वो पूरी वीडियो देखते हैं, तो ही हमारा वो रियल वॉच टाइम होता है, वही काउंट किया जाता है। बाकी का सब 24 आवर्स के बाद डिलीट कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। अगर आपको कोई भी डाउट रहे तो कमेंट में ज़रूर बताना। अब मैं करता हूँ सबसे बड़ी बात सब्सक्राइबर की। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए,
या जो सब्सक्राइबर का जो मामला होता है वो हमें, अगर हम कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से, जी हाँ दोस्तों, मान लो कोई प्ले स्टोर से हम कोई एप्लीकेशन डाउनलोड कर कर अगर सब्सक्राइबर लाते हैं तो वो हमें सब्सक्राइबर बढ़ते हुए दिखते हैं, लेकिन दोस्तों 2-3 दिन के बाद आप देखोगे आपके 100 सब्सक्राइबर आपको दिखाई देते हैं, शो होते हैं, लेकिन 2-3 दिन के बाद जब आप देखोगे तो आपके 50 भी सब्सक्राइबर नहीं रहते। जब हम नए होते हैं तो हम क्या करते हैं, कभी फेसबुक पर जाके किसी को कहते हैं यार मुझे सब्सक्राइब कर लो, मुझे सपोर्ट कर लो, या फिर इंस्टाग्राम पर जाते हैं वहाँ कहते हैं, या व्हाट्सअप पर कहते हैं, तो हमें वहाँ क्या करते हैं, स्क्रीन शॉट दिखा देते हैं कि देख मैंने आपको सब्सक्राइब कर लिया, आप भी मुझे कर लो। तो हम तो ईमानदारी से कर लेते हैं, लेकिन सामने वाला जो पर्सन है वो हमें सब्सक्राइब करके यार वो हमारे को थोड़ी देर में अनसब्सक्राइब कर लेता है, जबकि हमें ऐसा लगता है यार उसने तो हमें स्क्रीन शॉट दे दिया है, हमें तो इंस्टाग्राम पर उसने बताया है, फेसबुक पर हमें बताया है, व्हाट्सएप पे हमें दिखाया है कि मैंने आपको सब्सक्राइब कर लिया है। तो बहुत सारे लोग ऐसी चीटिंग कर डालते हैं, बहुत होते हैं, मेरे साथ भी कई टाइम ऐसा हुआ है कि वो हमें अनसब्सक्राइब कर देते हैं और हमारे सब्सक्राइबर इस टाइप से कम हो जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप थर्ड पार्टी जो भी तरीके से जो अपने सब्सक्राइबर लाते हो वेबसाइट से, ये सब ऑटोमेटिक कम हो जाते हैं। जो एक बार आप या अपना मजबूत ये कर लोगे यूट्यूब के ऊपर, तो आपके सब्सक्राइबर भी कम नहीं होंगे। जैसे कि मैं कोई बात नहीं छुपाता हूँ, ये देखिए मैंने ये वीडियो कल अपलोड किया था, इसमें सिर्फ 41 व्यूज़ है, लेकिन ये ओरिजिनल है, ये कम नहीं होंगे क्योंकि ये देखा गया है हकीकत में। इसमें देखिए लाइक भी ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 है, लेकिन जब मैं नया था तो मुझे 50 से भी ज़्यादा एक दिन के अंदर लाइक मिलती थी और 150-200 व्यूज़ आ जाते एक दिन के अंदर। क्यों? क्योंकि लोग सिर्फ बताने के लिए आते थे कि हमने तुम्हारे चैनल पे आके विजिट दे दिया, कमेंट करके फटक से निकल जाते थे। थोड़ी देर के बाद वो जो है 48 आवर्स के बाद मेरे व्यूज़ कम हो जाने के, लाइक कम हो जाने के सब, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है दोस्तों, जो रियल है वही चलता है। तो दोस्तों दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक।